खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां गन्ने के खेत में पानी लगा रहे दो लोगों पर अचानक एक चीते ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मीरगंज थाने के गांव गोरा लोकनाथपुर में चीते के हमले से घायल धर्मपाल पुत्र नोबल सिंह और उसके साथी चंद्रपाल पुत्र मदन लाल को आज दोपहर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके घर वालों ने बताया कि धर्मपाल और उनके साथी चंद्रपाल आज गांव के पास स्थित गन्ने के खेत में पानी लगाने गए थे। काम के दौरान अचानक झाड़ियों में छुपकर बैठे एक चीते ने उन पर हमला कर दिया। तो नाती जा कह रहे नातिन पे वो भाजो आग लागी है जंगल में, हाँ तो वो जब भाजो डरार का तो इन जा कही बता रहे, बोले इन जा कही बोले लल्ला घर के निकल लिया बच्चे को लेकर, जो बोलो ना भैया अपने पे ना बोलेंगे, बोलता ना है वो 3 साल जी तई है तई पे जब बच्चन पे भाजी हैं तई जे भाजी हैं जे जब जे भाजी हैं तई जो भाजो फड़ो लेके तो इनके ताई आए के झपट लो बने आए के धर्मपाल सिंह और जाके जाने फड़ो मारो गए तो जाके ताई जापो काट काट दो जाने फड़ो से तई जापे झप दो गए। हमले के बाद दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह चीते को वहां से भगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चीते को तलाशने की कोशिश की लेकिन वो भाग चुका था। धर्मपाल और चंद्रपाल के घर वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अच्छा, दो मरीज मीरगंज सीएससी से रेफर किए गए हैं और उनके सिर में पट्टी बंधी हुई है। बताया गया है कि चीता ने हमला किया है, गाँव में खेत पे काम कर रहे थे उस समय किसी मतलब जंगली जानवर चीता बता रहे हैं उससे घायल हुए हैं। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में इस तरह की पहली घटना है। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और चीते को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने वन विभाग से जल्दी ही हमलावर चीते को पकड़ने की मांग की। 16 मई 2021 को थाना मीरगंज के रामगंगा नदी के खादर में एक तेंदुए के हमले से दो व्यक्ति जो गौरा हेमराजपुर के रहने वाले हैं घायल हो गए हैं। उक्त घायलों को सीएससी मीरगंज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर कॉम्बिंग की जा रही है तथा वन विभाग की टीम को भी बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।